सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के हाथ में अब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी खबर दी। और उस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपीस थे। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो रिया के अकाउंट में नहीं किया गया है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि सुशांत जो है मंथली अपने बैंक से बहुत सारा पैसा जो है वो अपने साथ काम करने वाले लोगों पर खर्च किया करते थे। तो इस तरीके से जो उनकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, उससे ये बात सामने आई है कि सुशांत जो है उनके अकाउंट में 17 करोड़ रुपीज़ थे। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफ़र जो है रिया के अकाउंट में कभी नहीं हुआ, दोनों के कभी कोई जॉइंट अकाउंट नहीं थे। लेकिन उनका जो मंथली खर्चा था वो स्टाफ पर बहुत ज़्यादा होता था, और इतना ही नहीं, वो स्टाफ को बहुत सारी चीज़ें और पैसे ऐसे भी देते थे। तो ये जो है आज मुंबई पुलिस के हाथ रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत एक काफ़ी दिलदार बॉस हुआ थे। और इतना ही नहीं, वो अपने स्टाफ को हमेशा खुश रखने में विश्वास रखते थे, वो उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, और इसीलिए उनका जो मंथली खर्चा था वो इतना ज़्यादा था कि वो स्टाफ को सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें दिया करते थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस ने भी इस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से ये दावा किया है कि कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो रिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। ईडी ने भी ये बात मानी है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट जो है कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लेकिन अब ईडी की नज़र उन फॉरेन ट्रिप्स पर है जो 10 से 12 दिनों के लिए सुशांत, शौविक और रिया गए थे, कि क्या उस ट्रिप के दौरान जो है कोई पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वहाँ पर कोई बैंक अकाउंट खोले गए हैं, क्या वो बिजनेस ट्रिप था। इस बात को लेकर जो है अब ईडी जांच कर रही है।